चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सो जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि फोन पर किस तरह से बात करते, जी हाँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन या मोबाइल। देखिए, अब जो है हम लोग पिकनिक के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे जरूरी है कि क्वेश्चंस करना है, रिलेशंस को कैसे हम लोग अब बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि पूछेंगे कि भाई आपका ये कौन लगता है, किस तरह से। तो चलिए, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया जो प्रबोध कार्यक्रम बहुत यूजफुल है, तो सभी लोग को कह दीजिए कि भाई इंग्लिश सीखना है तो यहाँ इस वीडियो तक पहुँच जाए। तो देखिए, अब यहाँ बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न को दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो कि बनते हैं पहले अध्याय पे। तो आपने देखा जो जो कन्वर्सेशन हुआ टेलीफोन पर, तो पहला देखिए क्या है क्वेश्चन, नरेश कौन है। अब ये नरेश, तो यहाँ पर मैं बताऊँ नरेश कौन है, तो हो सकता है कि आपके जहन में आप बहुत सारे नाम हो और आप पूछते हो या आपसे कोई पूछता हो तो आपको जवाब देना होता है, तो ये समझिए नरेश कौन है। तो सिंपल तरीके से बोलेंगे, सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी है, हु इज नरेश। नरेश लिखेंगे तो एन बड़ा लिखेंगे, हु इज नरेश, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दे देंगे, ठीक है, हु इज नरेश। तो आप बताइए कि आप किसको किसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो हु इज नरेश, हु इज नरेश, हु इज सीता, हु इज गीता, कुछ भी जो भी आप चाहते हो। अब देखिए दूसरा है कि मीरा रेनू और मोहन की क्या लगती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आम है ना, घर में जैसे बात हम लोग करते हैं भाई, कि मालिक किसी, ये तो हाँ मीरा है, आप कह सकते हो सोनू मोनू और मतलब कि राहुल की क्या लगती है, किसी का नाम भी बोल सकते हैं। ये आप सोचिए कि मीरा रेनू और मोहन की क्या लगती है, हाँ दो व्यक्ति के नाम, दो व्यक्ति से संबंध जोड़ा जा रहा है कि मीरा जो है रेनू और मोहन की क्या लगती है, मीरा जो है मोहन और रेनू की क्या लगती है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, सोचिए इस बात को, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, जो कि बताना ही है मुझे, तो व्हाट डज, देखिए चूंकि क्या, जब जब भी मैं बोलूँ क्या, तो आप समझ जाइए कि भाई व्हाट, तो व्हाट से ही स्टार्ट करना है हमको, ठीक है, व्हाट से ही स्टार्ट करना है, तो व्हाट अब देखिए जाहिर सी बात है लगती है वगैरह है, तो पास्ट प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है। व्हाट डज मीरा, व्हाट डज मीरा मीन टू रेनू एंड यहीं पर लिख दूंगा मैं ताकि आप समझिए, मोहन ठीक है, या आप इसे मीन टू की जगह बिलोंग्स भी बोल सकते हैं, बिलोंग भी बोल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है, बिलोंग भी बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं, दोनों। तो व्हाट डज मीरा मीन टू रेनू एंड मोहन, व्हाट डज मीरा बिलोंग टू रेनू एंड मोहन, मीरा रेनू और मोहन की क्या लगती है। नंबर थ्री, रेनू आजकल क्या सीख रही है, इन दिनों भी लोग बोल सकते हैं, रेनू इन दिनों क्या सीख रही है, तो क्या जब आ गया तो क्या से स्टार्ट करेंगे, व्हाट से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पहले व्हाट। देखिए सारे सेंटेंसेस को याद करना ही जरूरी है, क्योंकि शुरुआती याद करेंगे तो दिमाग में बहुत सारे चीज जो है आपको इजी लगने लगेंगे। तो what is Renu learning nowadays, ठीक है, nowadays या आप बोल सकते थे these days भी बोल सकते हैं, दोनों तो हो सकता है, ठीक है। तो आजकल के लिए these days भी बोलते हैं, nowadays भी बोलते हैं, तो आप यहाँ nowadays की जगह आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ these days, ठीक है, यहाँ अलग से मैं लिख दे रहा हूँ these days, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है, दोनों बोल सकते हैं। मीरा आजकल क्या पढ़ रही है, अब तो इजी हो गया ना, अब यहाँ भी बताइए शुरू क्या से करेंगे, व्हाट से करेंगे,
वॉट वॉट इज मीरा, ठीक है, वॉट इज मीरा स्टडिंग, है ना, पढ़ रही है ना, तो स्टडिंग, वॉट इज मीरा स्टडिंग दीज डेज, यहां पर मैं दीज डेज लिखना चाहूंगा ताकि दोनों मिल जाए, दीज डेज, ठीक है। नंबर फाइव, मोहन आजकल क्या सीख रहा है, तो फिर क्या आया, यानी वॉट से स्टार्ट करना है, तो वॉट मैं ले लिया, मैंने लिया वॉट इज मोहन अब सीख रहा है, ठीक है, तो लर्निंग बोलेंगे, है ना, वॉट इज मोहन लर्निंग दीज डेज, या नाउ अ डेज भी बोल सकते हैं, नाउ ए डेज या दीज डेज, दोनों बोल लीजिए। नेक्स्ट है, मोहन कौन सी भाषा सीख रहा है, कौन सी, अब ये देखिए कौन सी आ गया, कौन सी का मतलब होता है विच, ठीक है, विच लेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं which language is मोहन लर्निंग, which language is Mohan learning, मोहन किसकी तैयारी कर रहा है, अब देखिए किसकी के लिए what ही रखेंगे, ठीक है, यानी क्या तैयारी कर रहा है, इसकी का मतलब क्या तैयारी कर रहा है, तो what is Mohan preparing for, ठीक है। अब दोस्तों इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत जरूरी है, तो इस तरह से रिवाइज करेंगे कि नरेश कौन है, हु इज नरेश, मीरा, रेनू और मोहन की क्या लगती है, what does Meera belong to Renu and Mohan, नंबर थ्री, रेनू आजकल क्या सीख रही है, तो what is Renu learning nowadays, मीरा आजकल क्या पढ़ रही है, what is Meera studying these days, मोहन आजकल क्या सीख रहा है, तो what is Mohan learning nowadays, मोहन कौन सी भाषा एक साथ लेंगे, तो यहाँ होगा which language is Mohan learning, मोहन किसकी तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी मतलब कि क्या तैयारी कर रहा है, तो what is Mohan preparing for, दोस्तों ये तो आपने देख लिया पहले 8 मिनट में कि किस तरह से जो रिलेशंस को बताना है कि कोई क्या कौन सीख रहा है, और इसको याद कर लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अगर याद करेंगे कुछ चीज़ें, देखिए याद करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे खुद उसी के पैटर्न पर, उसी के आधार पर आपको और अन्य सेंटेंस भी बोलना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए अब देखिए आगे के जो लेसन्स है, यानी लेसन्स पाठ जिसके बोलते हैं पाठ या लेसन 36, अब इस लेसन की क्या बात हो रही है, इस लेसन में क्या कुछ है, तो समझिए, देखिए पिकनिक के बारे में बात, कन्वर्सेशन पिकनिक के बारे में, और कुछ ना कुछ हमेशा आप सीखेंगे, पार्ट लेसन 36, लेसन नंबर 36 पिकनिक, हिंदी में लिखा हुआ ना पिकनिक इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड हिज स्टूडेंट, यानी कि जो पिकनिक बात हो रहा है वो टीचर, जी हाँ टीचर, स्कूल टीचर है, और उसके जो छात्र हैं उनके बीच हो रही है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर अरेंजिंग ए पिकनिक एंड आर डिस्कसिंग व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द पिकनिक एंड डिसाइडिंग व्हाट दिस ईच वन ऑफ देम विल ब्रिंग, यानी कि पिकनिक पर जो जा रहे हैं उनके मतलब पिकनिक के बारे में जो तैयारियां हो रही है, वो तैयारी हो रहा है, चर्चा हो रहा है उस पर, जो जा रहे हैं जो कर रहे हैं वो, और ये तय भी कर रहे हैं कि भाई
उनमें से जो प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या लेकर आएगा, ठीक है। यही 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 जो है कन्वर्सेशन में चलेगा, कन्वर्सेशन का मेन हिस्सा है। और इन दिस लेसन्स वी आर गोइंग गोइंग टू लर्न फ्यूचर टेंस, क्योंकि अभी तो पिकनिक की तैयारी हो रही है, तो हम लोग समझ चुके होंगे भाई तैयारी हो रही है, यानी कि पिकनिक पे जाना है, उससे रिलेटेड बात करना है, तो फ्यूचर टेंस से बात करेंगे, यानी गागा वगैरह लगेगा, है ना। जैसे मैं पिकनिक पर जाऊंगा, मैं पिकनिक पर जाऊंगा, मैं पिकनिक पर जाऊंगा, आई विल गो फॉर अ पिकनिक, आई विल गो फॉर अ पिकनिक। नंबर टू, आप क्या क्या खाएंगे, आप क्या क्या खाएंगे, आप बोलते ना आप क्या खाएंगे, आप बहुत सारा डिशेज है तो बोलेंगे आप क्या क्या खाएंगे। तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, बोलिए ना एक बार, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या क्या खाएंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। देखिए याद हो जाने से क्या होता है कि वो आपके जबान पे चढ़ जाता है, और जब बोलना होता है तो वही सेंटेंस आएंगे। इसलिए यहाँ खुद जो इस लेसन में लिखा गया है कि भैया कि 6 बार 6 बार बोलना है, ठीक है, हर एक चीज़ को। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 20 बार बोल लीजिए, ताकि जो है आपके जबान पे और दिमाग पे दोनों चढ़ जाए। तुम दौरे पर जाओगे, तुम दौरे पर जाओगे, व्हाट वुड यू गो ऑन टूर, वुड यू गो ऑन टूर। तो कुछ लोग जो टूर बोलते हैं, कुछ लोग टूअर बोलते हैं, लेकिन टूअर होता है एक्चुअल उच्चारण। तो वुड यू गो ऑन टूअर। अभी कल्चरल नोट्स जानिए, मतलब एक जानकारी होता है वो उसकी बारे में। सूरज कुंड, इट इज एन मैन मेड पॉन्ड सिचुएटेड इन फरीदाबाद नियर दिल्ली। जो सूरज कुंड है वो फरीदाबाद में आदमी द्वारा, मतलब जो व्यक्ति है उनके द्वारा बनाया गया है, और फरीदाबाद में स्थित है, एक तालाब है, ठीक है, सूरज कुंड, जो कि फरीदाबाद का दिल्ली के नजदीक है। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, जो कि पूरा जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। एवरी ईयर ए फेयर इज हेल्ड एट दिस प्लेस। तो इस संडे को भी बोल सकते हैं एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड एट दिस प्लेस, यानी प्रत्येक साल यहाँ पर जो है इस स्थान पर एक मेले का आयोजन होता है। एंड द वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया ब्रिंग देयर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम फॉर सेल, यानी कि पूरे इंडिया के जो बुनकर होते हैं या जो कारीगर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, जो टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट होता है, वो आइटम्स को बेचने के लिए पूरे राज्य भारत के राज्यों से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और इसके मतलब जानकारी देने के लिए भी, कि कुछ एक जानकारी भी मिल जाए आपको सूरज कुंड के बारे में, कि सूरज कुंड कहाँ है, फरीदाबाद में दिल्ली के नजदीक, तालाब है पहाड़ों से घिरा हुआ, वहाँ पर जो है इस तरह की कहाँ गतिविधियाँ होती है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए ग्रामेटिकल नोट्स एंड प्रैक्टिस पे बात करते हैं। जी हाँ, ग्रामेटिकल नोट्स एंड प्रैक्टिस क्या है, और सावधानी से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सब्जेक्ट नंबर वन में कि सब्जेक्ट प्लस को कंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेशंस डिनोटिंग कंपल्सन नेसेसिटी एंड आल्सो टू नो समथिंग। जैसे मुझे काम है, आई हैव अ वर्क, मुझे काम है, आई हैव अ वर्क, मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी, मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी, मुझे काम है, आई हैव अ वर्क, मुझे मालूम है, आई नो, मुझे जानकारी है, आई नो। फ्यूचर टेंस देखिए, द फ्यूचर टेंस वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग उंगा उंगी एगा एगी एगी एंगे एंगी, अब एंगे एंगे गाना नहीं गाना है, एंगी ओगे ओगे ओगी टू वर्ब रूट, ये वर्ब रूट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसे जा में उंगा जोड़ देंगे तो जा, ये वर्ब रूट क्या है, जा होता है, जा होता है, जा में उंगा जोड़ेंगे तो जाऊंगा, जा में एगा जोड़ेंगे जाएगा, जा में एंगे जोड़ेंगे जाएंगे, है ना। अब देखिए वर्ब रूट प्लस सफिक्स जो होता है फ्यूचर टेंस फॉर्म में क्या होता है, इसको समझिए। वर्ब रूट प्लस सफिक्स, देखिए वर्ब रूट जो है आ है,
यहाँ पर आ है, जा है, खा है, सो है। जैसे खाए एगा लगा तो खा, आ में एगा लगा तो आएगा, जा में एगा लगा तो जाएगा, खा में एगा लगा तो खाएगा, सो में एंगे लगेंगे तो सोएंगे, है ना। अब देखिए नोट, वेन द वर्ब रूट एंड्स इन अ कंसोनेंट द एडिंग उंगा एगा इट इज ही शुड बी इन द फॉलोइंग मैनर्स इन राइटिंग। जैसे कहा जा रहा है कि जब वर्ब रूट के अंत में कॉन्सोनेंट जो है, जो व्यंजन है जो आते हैं, जोड़े जाते हैं, जैसे कि उंगा एगा, उसी की बात हो रही है। जैसे कि बैठ गया वर्ब रूट है बैठ बैठ बैठ, तो बैठ उंगा बैठूंगा, बैठोगे, एगा लगा तो बैठ बैठेगा, और एंगे लगे तो एंगे एंगे बोलते हैं ना, तो बैठेंगे बैठेंगे, है ना, बैठेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, और इस चीज़ को आप भली भांति पहले से भी जानते हैं, और मैं यहाँ आपके लिए फिर से मैं यहाँ रखा हूँ। देखिए फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस को यहाँ समझिए, और इसको बोल कर दिखाइए कैसे बोलते हैं। इजी इजी है, बोलना जरूरी है। जैसे कि देखिए पुरुष तो होते हैं, फर्स्ट प्रथम पुरुष होता है यानी फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष को बोलते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड, ठीक है, पी लगाते हैं यहाँ पर, पी लगाते हैं यहाँ पी, अन्य पुरुष को बोलते हैं थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब सभी में, प्रथम पुरुष में भी एक वचन होता है, बहुवचन होता है, मध्यम पुरुष में भी एक वचन होता है, ठीक है, और बहुवचन होता है, और थर्ड पर्सन में भी एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो ये थर्ड पर्सन के लिए है, और ये जो है सेकंड पर्सन के लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए दो ही सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, इसे कि मैं जाऊंगा क्या बोलेंगे, मैं जाऊंगा को कैसे बोलेंगे, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो। लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, मैं जाऊंगी आई विल गो, हम जाएंगे वी विल गो, हम जाएंगे वी विल गो, हम जाएंगी वी विल गो, तू जाएगा यानी तू जाएगा तू जाएगी, तो तू जाएगा को बोलेंगे यू विल गो, ठीक है, और इसी आप जाएंगे, ठीक है, तब भी बोलेंगे यू विल गो, आप जाएंगे आप जाएंगी, तुम जाओगे यू विल गो ही बोलेंगे, तुम जाओगे यू विल गो ही बोलेंगे, वे जाएंगे। अब तुम के लिए देखिए, तुम के लिए वे मतलब कि वे लोग, तुम लोग, ठीक है, तुम के लिए तुम लोग, तो यू ही लेगा, तुम लोग जाएंगे, वे का मतलब यहाँ पर वो नहीं होता, तुम का बहुवचन वे नहीं होता है, तुम लोग होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये है, जैसे अब इसको ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर नहीं रखेंगे इसको, इन दोनों के लिए तुम लोग आप लोग, इसे यहाँ लेंगे, वह जाएगा का बहुवचन है वे जाएंगे, ठीक है, वह जाएगा को बोलेंगे ही विल गो, है ना, वह जाएगा, वे जाएंगे तो वे जाएंगे का हो जाएगा दे विल गो, है ना, वे जाएंगे दे विल गो, राम जाएगा राम विल गो, ठीक है, राम राम विल गो, राम जाएगा, सीता राम और श्याम जाएंगे। अब इसको बहुत समझाने की राम और श्याम जी की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी राम और श्याम जाएंगे तो आप बोलना है इस तरह से राम एंड श्याम विल गो। अगर सिर्फ बोलना था कि राम जाएंगे तो राम राम लोग जाएंगे, तो इस तरह से बोल सकते थे मिसर्स राम राम बिल, मिसेस राम बिल गो। अब समझ गए ना, जैसे राधा जाएगी राधा बिल गो, ठीक है, राधा राधा बिल गो। अब सीता एंड गीता जाएगी तो सीता एंड गीता बिल गो। श्री दास जी जाएंगे श्री दास जी बिल गो, श्रीमती दास जी बिल गो, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन की बात होती है, एक्सेप्शन जो है अगले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि
ठीक है। बाकी जो जितने सारे सेंटेंस बताया उतने सारे सेंटेंस बोलिए, एक बार में 20-20 बार बोलना है, ठीक है। ये आपका जिम्मेवारी है और इसे अच्छे तरह से आप इसे निभाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और तो चलिए इस वीडियो में ही तक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर देना है। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि तभी तो दो व्यक्ति मिलकर ही ना इंग्लिश में बात करेंगे, अकेले आप कितना बात करेंगे। तो अपने विचारों का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान जरूर करें। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।